आंसर होगा तो किया जाएगा, जिम बनाया जाएगा। सारे जो यूथ्स हैं, जब लड़के हैं जो पार्क में जाते हैं, योगा करते हैं, टहलते हैं, उनके लिए जिम भी रहेगा व्यवस्था, शरीर फिट रहेगा। पार्क है, इर्द गिर्द जितना भी घर है, मोहल्ला है, आप देख रहे हैं सब घर है, तो इन लोग का आयु बढ़ जाएगा और 100 साल का हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार राजधानी के कई पार्कों का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने राजेंद्र नगर पार्क का उद्घाटन किया था और आज दो पार्कों का उद्घाटन करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इससे वातावरण शुद्ध होगा और जो आसपास के लोग जो रह रहे हैं उनकी आयु भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, ये कहते हुए नजर आए हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि वहां के स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मेरे डर से वो इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं। लोग काफी विश्वास के साथ उन्हें विधायक बनाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। वो मेरे डर से कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पहले आपको हम वो सुनाते हैं। ये सवाल उनसे पूछिए, जनहित से जुड़ी हुई जो सवाल हैं, जो मुद्दा है, जो पार्क से रिलेटेड काम जो हम लोग कर रहे हैं, बिहार सरकार पूरे तरीके से सजग है और पूरे तरीके से हर एक कामों को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय जो विधायक हैं, ये जनता के, जो जनता ने चुना उनको, चुन के विधायक बनाया, उनको ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हर एक पार्क का उद्घाटन हो रहा है, हर एक पार्क में जहाँ जहाँ जो लोग हैं, आम जनरल लोग हैं, पब्लिक हैं, यहाँ की जनता आ रही है, देख रही है, हर एक जनता ने चुना है तो उनको जनता का सम्मान करना चाहिए, उनको आना चाहिए। तेज प्रताप जी, इसके पहले वाले उद्घाटन में आपने कहा कि आपके डर से नहीं आते, तो डर तो है ही उनको, अब जिस बात का डर है तो वही ना जानेंगे। परिसर होगा तो किया जाएगा, जिम बनाया जाएगा, सारे जो यूथ्स हैं, जब लड़के हैं जो पार्क में जाते हैं, योगा करते हैं, टहलते हैं, उनके लिए जिम भी रहेगा व्यवस्था, शरीर फिट रहेगा। पार्क है, इर्द गिर्द जितना भी घर है, मोहल्ला है, आप देख रहे हैं सब घर है, तो इन लोग का आयु बढ़ जाएगा और 100 साल का हो जाएगा जहाँ जहाँ पार्क। तेज प्रताप जी, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि रात के 8 बजे इस पार्क की लाइटें बंद हो जाती है, बड़ा अंधेरा सा हो जाता है, तो यदि आप मंत्री के रूप में, हम यहाँ आ गए, जहाँ जहाँ हुआ नहीं बंद होगा। तो सुन रहे थे आप वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी पार्क यहां पर बना हुआ है, जिसका उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं आज, उस पार्क में अगर किसी भी तरह का कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। जहां भी लाइट नहीं है वहां पर लाइट लगवाई जाएगी। वही उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए जिम भी लगाया जाएगा पार्कों के अंदर, ताकि जो युवा है वो पूरा फिट रहे। इसी के साथ साथ स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा पर हमला बोलते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि लोगों ने विश्वास के साथ उन्हें विधायक बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, विश्वासघात करने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, आज डर से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो यहाँ के विधायक हैं, उनको इस कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए था, ये कहते हुए नजर आए वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।